नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप मिली बग कैसे ठीक कर सकते हो अपने घर पर ही और घर की चीज़ों से। देखो, मिली बग ज़्यादातर ना गुड़हल के पेड़ में ही लगता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है मेरा गुड़हल का पेड़, इसमें फूल आता है। अभी नवरात्र का टाइम चल रहा था, मेरे घर में पूजा हो चुका है, इसलिए जितना भी मेरे पेड़ में फूल था वो सारा फूल मैं तोड़ लूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, कल भी बहुत जगह आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन इसमें मिली बग भी बहुत जगह लगे हुए हैं। ये जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पर एक मिली बग लगा हुआ है और यहाँ पर मिली बग लगा हुआ है। आप लोगों को दिख नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों को फोकस करके दिखाती हूँ। ये जैसा कि देखो, यहाँ पर लगा हुआ है मिली बग, मतलब जहाँ जहाँ पे आप लोगों को कली देखने को मिलेगा ना, वहाँ वहाँ पे हम लोगों का मिली बग लगा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें भी हम लोगों का मिली बग लगा हुआ है, फोकस नहीं ले रहा है। जैसे कि आप देखो, यहाँ पे लगा हुआ है मिली बग। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप मिली बग से कैसे छुटकारा पा सकते हो, क्योंकि इसमें भी हो गया मिली बग का अटैक। देखो, अगर आपके पेड़ पौधे में मिली बग लगता है ना, और उस मिली बग को अगर आप नहीं हटाते तो ये क्या करता है, आपके पत्ते को धीरे धीरे करके सुकड़ा देता है, मतलब पत्ता एकदम मुड़ने लगता है। और जितने भी हमारे पेड़ में पोषक तत्व जाता है स्टीम के द्वारा ना, तो स्टीम में पोषक तत्व जाने नहीं देता है। मान लो कि हम लोगों का इस स्टीम में यहाँ तक हम लोगों को पोषक तत्व आया और यहाँ पर हम लोगों का मिली बग लगा हुआ है, तो क्या करेगा ना, ये मिली बग इसको हम लोगों को इधर से पास नहीं होने देगा, जिसके कारण से धीरे धीरे करके हमारा पौधा मरने लगेगा। इसलिए अगर आपके पेड़ पौधे या फिर कोई भी पौधे में अटैक होता है मिली बग का, तो आप तुरंत इलाज करो। तो कैसे आज हम लोग इलाज करेंगे, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली, बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है सारा कुछ। मैं आपको घर के इन्ग्रीडियंट्स बताऊंगी, आपको पैसा वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं। मिली बग का खात्मा हम लोग इनो से करेंगे। इनो बहुत ही अच्छा होता है मिली बग को हटाने के लिए। और ज़्यादातर मैं आप लोगों को पहले ही बताया कि मिली बग हम लोगों का लगता है हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के प्लांट में। मैं आप लोगों को रिजल्ट भी दिखाऊंगी और अच्छी तरह से एकदम हटाकर दिखाऊंगी। तो सारा कुछ आप लोगों को कैसे करना है, तो आप लोगों को कम से कम एक लीटर से ज़्यादा पानी लेना है, जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पर ली हूँ। और इस एक लीटर से ज़्यादा के पानी में आपको डालना है सरफ। सरफ में होता है सल्फर, जो कि बहुत ही अच्छा से कोई भी कीड़ा मकोड़ा या फिर मिली बग को हटाने बहुत ही अच्छे से मदद करता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे सरफ का उपयोग कर रहे हैं। तो आप लोगों को लेना है एक चम्मच सरफ, जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पर ली हूँ। और अच्छी तरह से आपको हमारे एक लीटर के ज़्यादा से ज़्यादा पानी में आप लोगों को अच्छी तरह से मिला देना, जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पर मिला दी हूँ। दो तीन बार आपको ऐसे हिला भी देना है, ताकि अच्छी तरह से पानी में हमारा ये सरफ मिल जाए। उसके बाद आप लोगों को इसमें डालना है कड़वा तेल, यानी कि सरसों का तेल। ये है हमारा सरसों का तेल, सलोनी का, सलोनी ब्रांड का जो हमारा सरसों का तेल होता है, बहुत ही अच्छा होता है। आप लोगों को इसमें डालना है एक चम्मच से थोड़ा सा कम, जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कम ली हूँ। आप लोगों को इसमें डाल देना है। देखो, हम लोग इसमें ना सरसों का तेल यानी कि कड़वा तेल इसीलिए डाल रहे हैं, जो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल क्या करता है ना, झास पैदा करता है। जो भी कीड़े लगते हैं, मिली बग लगते हैं ना, वो झास पैदा करता है। और झास पैदा करने से उसके आँखों में लगता है, क्योंकि सारे जानवर कीड़े मकोड़े में आँख भी होता है, वो लोग देखते भी, उनके आँखों में लगता है, उनका आँख क्लोज हो जाता है। और धीरे धीरे करके वो हम लोगों स्टीम में नहीं रह पाते, और हमारा ये जो तेल रहता है फिसलने में भी मदद करता है, मतलब स्लीपरी भी रहता है और अच्छी तरह से वो स्टीम में नहीं रहेंगे, जिसके कारण से वो फिसल जाते हैं और हमारा वो ज़मीन में गिर जाते हैं। तो हमारा जो कड़वा तेल है वो झास देने में मदद करता है और स्लीपरी करने में मदद करता है, ताकि जो हमारा मिली है, जो भी कोई भी कीड़ा है, वो अच्छी तरह से स्लिपरी करे और अच्छी तरह से हमारा हट जाए। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे कड़वा तेल मिला दिए, और एंड में आप लोगों को इसे मिलाना है इनो। इनो बेहतरीन रेमेडी है कोई भी कीड़ा को हटाने के लिए। मिली बग का ही नहीं आपको बोल रही हूँ, जो भी पेड़ में आपको कोई भी कीड़ा लग रहा होगा, एक ग्रीन कलर का कीड़ा होता है, भुआ पिल्लू होता है, और एक होता है येलो कलर का कीड़ा, सारा कीड़ा को ये हमारा मिली बग और जितने भी हम लोग इसमें इन्ग्रीडियंट मिला है, सारा को हटाने में बहुत अच्छे से मदद करता है। तो बस आप लोगों को लेकर अच्छी तरह से इनो को फाड़ देना, जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पर फाड़ रही हूँ। इनो आप लोग कहीं पर भी अवेलेबल मिल जाएगा, कोई भी आपको मेडिकल शॉप में या फिर किराने की दुकान में, बस आपको ये 10 या 5 रुपये इनो मिलता है। और अच्छी तरह से आप फाड़ कर जब इनो चम्मच में ले लोगे, और अच्छी तरह से आपको इसमें घुला देना है। हमारा ये एक लीटर से ज़्यादा का पानी है, जैसे कि आप देख सकते हो एक पैकेट हमारा इनो काफ़ी है हमारे इस मिश्रण के लिए। तो अच्छी तरह से मैं यहाँ पर घुला रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो
आप लोगों को कम से 2 मिनट तक घुलाते रहना है, क्योंकि इनो को घुलने में पानी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर घुला रहे हैं। और ये हमारा पानी जो है अभी थोड़ा स्लिपरी हो गया हो, क्योंकि हम लोग इसमें तेल भी डाले हैं, तो जो हमारा मिक्सर होता है सारे इंग्रेडिएंट का अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग इसको अच्छी तरह से घुला रहे कम से कम 2 मिनट तक। इसलिए आप लोगों को 2 मिनट तक घुलाना है ताकि अच्छी तरह से जितना भी इंग्रेडिएंट अच्छी तरह से मिल पाए। तो अच्छी तरह से मैं यहाँ पर 2 मिनट तक घुला दी हूँ। अब हमारे इस मिश्रण को आप लोगों को बॉटल स्प्रे में डाल देना है, जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा बॉटल स्प्रे। तो मैं यहाँ पर बॉटल स्प्रे में, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं डाल दी हूँ अच्छी तरह से। अब जहाँ पे भी हमारा पौधा में मिली बग लगा वहाँ पे स्प्रे करेंगे, तुरंत से स्लिपरी होके हमारा एकदम से हट जाएगा। चलिए अब हम लोग हिबिस्कस के प्लांट में, यानी कि गुड़हल के प्लांट में अब स्प्रे करेंगे जहाँ जहाँ पे हम लोगों का मिली बग है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे मिली बग है एक, अच्छी तरह से कैमरे में फोकस ले रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे स्प्रे करेंगे और जैसे कि आप देखना कि हमारा ये अच्छी तरह से हट जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर था वो अच्छी तरह से एकदम से हट गया है, कहीं पे भी मिली बग नहीं है। तो आपको एक एक करके सारा जगह स्प्रे कर देना है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर है, तो मैं जैसे स्प्रे करूँगी तो ये वाला भी हमारा मिली बग हट जाएगा। तो स्प्रे करिए, एकदम से हट गया, कहीं पे भी आपको इसमें मिली बग नहीं दिख रहा होगा। देखो कहीं पे भी है लगा हुआ, मैं आप लोगों को अपने हाथ से टच करके दिखा रही हूँ। अगर इसमें मिली बग रहता और हाथ से टच करती तो मेरे को इन्फेक्शन होने का डर था, तो मैं आप लोगों को हाथ से भी टच करके दिखा रही हूँ और यहाँ पे आप लोगों को दिख भी नहीं रहा है। तो अब मैं धीरे धीरे करके पूरे अपने प्लांट में धीरे धीरे करके स्प्रे करूँगी। मेरा प्लांट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और जैसे कि आप देख सकते हो हर जगह लगा होगा मिली बग। तो चलिए यहाँ पर मेरे को मिला है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर भी स्प्रे करके दिखाती हूँ। स्प्रे करने से आराम से हमारा मिलीबग देख सकते हो कि गायब हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो गायब हो गया। आपको जो थोड़ा थोड़ा वाइट दिख रहा है वो हमारा फेन है, क्योंकि हम लोग इसमें सरफ डाले थे और सरफ डालने से भी हमारा जो मिली बग है वो अच्छी तरह से स्लिपरी होता है और एकदम से गायब हो जाता है। तो मैं सारे प्लांट में धीरे धीरे करके मिली बग को हटाऊंगी। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताई कि आप मिली बग कैसे चुटकी में हटा सकते हो, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और मिली बग यार अगर आपके पेड़ में रह गया और पूरा फैल गया आपके पेड़ में ना, तो आपके पेड़ को बर्बाद कर देता है, प्रोटीन अच्छी तरह से नहीं देता है, पत्ते मुड़ जाते हैं, पीले पड़ने लगते हैं और पेड़ हमारा एकदम अधमरा हो जाता है। इसलिए मिली बग को जड़ से जड़ एकदम से हटाइए अगर लग रहे हैं तो। तो ये सब मिक्सर बनाने में हम लोगों को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो आई होप सो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया हो कि आप मिली बग कैसे हटा सकते हो। और ये चीज़ मैं आप लोगों को जो बताई हूँ ये सिर्फ आप हिबिस्कस प्लांट में ही नहीं, सारे प्लांट में कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके रिलेटेड कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उसमें अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर देना एंड ये वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय।